ये रहा हमारा गोभी कीमे की रेसिपी। तो चलिए आइए देखते हैं और सीखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं हल्के मसालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आज की रेसिपी होने वाली है कीमा गोभी की। तो यहाँ मैंने मोटा कीमा लिया है हाफ के जी से ऊपर, और हाफ के जी मैंने गोभी को कट करके इसको वॉश कर लिया है। 4 से 5 बड़े टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, वो जो कि हम बाद में डालेंगे। और यहाँ 3 बड़े प्याज कट कर लिए हैं और इसको बनाएंगे हम मस्टर्ड ऑयल में। तो यहाँ हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो रहा है, यहाँ हम ऑयल डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। हाफ कप जितना डालेंगे, ये ऑयल गरम हो रहा है हमारा, इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा मैं आपको बताना भूल गई थी, तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जीरा डाला। इसमें जो हमने 3 बड़ी प्याज काटी थी, इसमें से हम हाफ प्याज भी शामिल कर देंगे इसमें, और हाफ हम बचा लेंगे। इसको अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए हमारी अनियन जो है काफी ब्राउन हो गई है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें हम अपना मटन कीमा डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो चली जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 3 to 4 टेबलस्पून। ये मैंने 4 टेबलस्पून डाल लिया है और इसको अब भूनेंगे अच्छे से। तो ये देखिए इसकी भुनाई हो रही है अच्छे से। अब जो हमारे मसाले हैं जो हमने निकाले थे उसको भी हम शामिल कर लेंगे इसमें। तो ये हमारे मसाले हैं, ये भी चले जाएंगे इसमें। अच्छा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है वो हम एकदम आखिर में डालेंगे भुनाई जब करेंगे गोभी डालने के बाद। और ये जो बची हुई प्याज थी हमारी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। इसको इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल रिलीज हो जाए एकदम। इसको हम 5 मिनट और भूनेंगे। तो ये देखिए भुनाई हो चुकी है, इसने अपना ऑयल भी रिलीज कर दिया है। इस पॉइंट पे हम यहाँ पे 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसकी लिड लगाएंगे। इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए गलाते हैं, मिलते हैं 10 टू 15 मिनट्स बाद। तो ये देखिए हमारा मटन कीमा रेडी हो चुका है। इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हुए इसमें हम गोभी डालेंगे। इसमें हम गोभी डालेंगे अपनी। आप चाहें तो छोटे छोटे भी काट सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा रखती हूं तो मैंने अपने हिसाब से काटा है, आप लोग अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा गोभी को। और मैं थोड़ा सा गोभी को क्रंची पसंद करती हूँ, एकदम गली हुई गोभी नहीं पसंद करती। इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। और साथ ही डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला अपने, जो कि हमने लास्ट में रखा था। तो ये हम भून रहे हैं और साथ ही हमने मिर्च काट ली है और जूलियन स्टाइल में अदरक, ये भी हम शामिल कर देंगे इसमें। चलाएंगे अच्छे से।
और इस पॉइंट पे हम इसमें लिड लगा देंगे। जैसे ही हल्की सीटी भरेगी थोड़ी 2-3 मिनट के लिए हम इसको गलाएंगे, सीटी लिड लगाकर उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये अब हम लिड लगाएंगे इसमें, अब इसको होने देंगे। विसल रिलीज हो चुकी है, तो देखते हैं किस कंडीशन में है। गोभी कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे अगर आप इसका पानी और खुश करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे ही रखूंगी ग्रेवी के साथ। और साथ ही इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, इसको चलाएंगे अच्छे से और करते हैं इसको डिश आउट। और साथ ही स्प्रिंकल करेंगे इस पे कटा हुआ धनिया। तो ये थी हमारी आज रेसिपी गोभी कीमे की। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।